हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सब लोगों का एक नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग जा रहे हैं भीम तारिक शादी में, और मेरे साथ कौन कौन है वो सब मैं आपको रास्ते में दिखाऊंगा। फिलहाल हम लोग कालाडूंगी पहुंचने वाले हैं। घर से निकलते ही मुझे याद नहीं रहा कि ब्लॉग बनाना है, अब मुझे याद आया बनाना, तो चलिए बनाते चलते हैं और मिलेंगे आपको आगे। दोस्तों हमारे साथ है हर्षित जी और ये अजय बाबू और चौधरी जी। यहाँ देखो यार, छोड़ो तुम तो, ये तो ये तीन लौंडे जरा हम लोग जा रहे हैं जहर कराने की बारात में। फाइनली हम लोग भीमताल पहुंच गए। खूबसूरत से दिखने वाला ताल आपका मन मोह लेगा रात्रि के समय, और जैसे हमारा भी मोह रहा है। और हमें काफी देर हो गई क्योंकि जाम बहुत था रास्ते में, तो हम लोग टाइमली नहीं आ पाए फिर भी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। हल्की हल्की ठंड है रामनगर में, तो काफ़ी गर्म है। मेरे साथ चौधरी जी, उनको ठंड लगने लग गई है, तो चलिए उनका इंतजाम करेंगे वहाँ जाके कुछ ना कुछ ठंड का। चलिए ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है पूरा का पूरा ताल, और जहाँ जहाँ तक नज़र जाएगी आपको ताल ही दिखेगी, क्योंकि बहुत बड़ा ताल है, 2-1 किलोमीटर में फैला हुआ है और ऊपर को भवाली है। मज़ा आ गया दोस्तों। मैं हूँ, मेरे साथ चौधरी जी हैं। कैसा लग रहा चौधरी जी, कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया, एकदम मजा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा, मस्त एकदम बिंदास। तो दोस्तों हम योगी जी के घर पहुंच गए जहाँ पे शादी है, तो चलिए आज शादी में एंजॉय करते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये तीनों बंदे भी मेरे साथ ही आए हैं और मैं भी आ गया हूँ, तो चलिए चलते हैं फटाफट। यही है, यही है हमारे लौंडा। तो दोस्तों आज शादी है और पंडित जी, तुम ये क्या लाए हो बच्चा? इस लौंडे की शादी है, सारे दोस्त आए आज रामनगर से। तो दोस्तों कुछ लड़के एंजॉय कर रहे हैं शादी में, और जिस लड़के की शादी है वो भी साइड में एंजॉय कर रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरह लग रहा है शादी का माहौल, बड़ा मजा आ रहा है यहाँ आके, बड़ा एंजॉयमेंट लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और कुछ सेब के बगीचे, आम लीची के भी है सामने, थोड़ा थोड़ा चमकता हुआ कुछ दिख रहा, तो वो सब हल्द्वानी है। इतना साफ इस मोबाइल से आ रहा है। और प्रदीप बाबू भी आए हैं हमारे, वाह 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 वाह, ये और ये रहा घर, कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो सुबह हो गई है और बस सूरज आने वाला है, हम भी जाते हैं। तो लौंडा भाई इस तरह छत में ही था, बट ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मज़ा आ गया। क्यों चौधरी जी, जिस तरह से लग रहा है भीमताल अपना बहुत खूबसूरत लग रहा है और मज़ा आ रहा है। और जो हल्द्वानी कल रात दिख रहा था अभी तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, सामने हल्द्वानी गई है और एक हरेन के बढ़िया लोकेशन पे है, यहाँ से बहुत ज़बरदस्त दिखता है नीचे।
तो दोस्तों अब घर जाने वाला हूँ, ये सारे लड़के इंजॉय करेंगे, आज मैं अकेला घर जाऊंगा। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ और मिलेंगे आप सब लोग को रास्ते में। अभी भीमताल भी दिखाना है, शायद दिखेगा नहीं क्योंकि हल्द्वानी के रास्ते मेरे को जाना है। और नीचे जो रोड जा रही है ये भीमताल के से बाहर ही निकलेगी, सीधे अंदर से नहीं जाएगी। तो चलते हैं, रात को देखा था थोड़ा बहुत, तो अब क्या दिखाना आधा अधूरा है। तो ये रहे लौंडे अपने, चलो फिर है पापू, चलो सेव, चलो फिर दीपू, बाय बाय, चलो जाते जी, बाय बाय एवरीबॉडी। तो दोस्तों इनका घर इतनी बढ़िया लोकेशन पर, इतना बढ़िया इन्होंने बनाया है, और यहाँ इसके जस्ट पीछे ये जो पेड़ दिख रहे हैं इसके जस्ट पीछे ही भीमताल है, और सामने नकुचेताल है, वहाँ कहीं छोटा कैलाश है, और सामने हल्द्वानी है। तो इतना ज़बरदस्त लोकेशन पर उन्होंने घर लिया है। कह रहा था लड़का कि सर 1990 में उन्होंने लिया था, तो 1990 में जब उन्होंने लिया होगा तो ये सोचा नहीं होगा कि इतनी बढ़िया लोकेशन निकलेगी और इतनी बढ़िया जगह निकलेगी। तो चलिए अब चलते हैं रामनगर की तरफ को, मूड सा ख़राब है और देखो दूल्हे की गाड़ी भी तैयार है, पर चलिए कोई बात नहीं, इन्जॉय करते हैं। मज़ा आया उसे, कल रात भी काफ़ी डांस वांस किया, थोड़ा इन्जॉय किया यहाँ पे आके। तो दोस्तों ये रही खूबसूरत सी झील भीमताल की, और इसे तल्ली ताल भी कहते हैं यहाँ पे। यहाँ आके सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेना अपने आप में एक सुखद अनुभव का एहसास कराता है आप सबको। तो जब भी आप यहाँ आइएगा तो इस खूबसूरत सी झील का लुत्फ़ उठाइएगा सुबह सुबह आके। और देखिए मल्ली ताल से तल्ली ताल तक का कैसा लगता है भीमताल। आजकल देखो पानी कम है तो सूख गया है, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। और चलिए इसको यहीं छोड़े चलते हैं और हम लोग निकलते हैं वापस रामनगर की तरफ। यहाँ की जो मार्केट एकदम सन्नाटे भरी है फिलहाल, क्योंकि सुबह सुबह का समय है, 6:30 का टाइम हो रहा है, तो अभी सुबह सुबह कौन ही खोलेगा। तो चलिए इस मार्केट को भी यहीं छोड़े चलते हैं और चलते हैं आगे को नैनीताल की तरफ। तो हम लोग फिलहाल हैं भवाली मार्केट में, यहाँ से आप कैची धाम को जा सकते हैं, यहाँ से कैची धाम नज़दीक ही है, लेकिन फिलहाल मेरे पे उतना टाइम नहीं है तो मैं जा रहा हूँ रामनगर की तरफ। अब हम लोग पहुँचने वाले हैं नैनीताल। आहा नैनीताल की और बेहतरीन और ठंडी हवाएं। अभी मई का महीना आने वाला है और काफ़ी ठंड है यहाँ पे। आइए आप दिखाते हैं आपको कैसा लग रहा है यहाँ से नीचे की रोड। नैनीताल से हम थोड़ा आगे आ गए, तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अभी अपने वो वहाँ तक जाना है। तो दोस्तों मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ भवाली से, सॉरी भीमताल से, और नैनीताल भी मैंने क्रॉस कर लिया है। तो ठंड काफ़ी है वैसे, अभी भी मई आने वाला है, लेकिन ठंड अच्छी खासी है क्योंकि सुबह सुबह का समय है इसलिए भी ठंड है, और यहाँ पर बाँस के पेड़ हैं तो इसलिए भी ठंड बहुत ज़्यादा है। तो चलिए चलते हैं और मिलेंगे आपको रास्ते में। तो दोस्तों सोचा आज आपको सब चीज़ के दर्शन करा दिए जाए, तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं खुरपाताल के, और वो भी सुसाइड पॉइंट से। तो कुछ इस तरह दिख रहा है खुरपाताल नीचे। बहुत पहले भी मेरा एक ब्लॉग बनाया था मैंने, जब तब भी मैंने खुरपाताल आपको दिखाया था, आज दिखा दिया फिर से। चलिए कुछ छोटे मोटे चित्र मैंने ले लिए हैं, चलचित्र ले लिए हैं, और अब चलते हैं। वैसे दिन में यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, अभी तो सुबह 7:30 का टाइम है, तो बिल्कुल भी कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो मैंने फटाफट से सोचा कि यार छोटे मोटे फोटोज ले लिए जाएं और चलचित्र ले लिए जाएं आपके लिए। दोस्तों
दोस्तों मैं घर आ गया हूँ। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हेलो गाइस।